हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज 34 साइज़ पे। और ये ब्लाउज़ प्रिंसेस कट और बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है 90 सेंटीमीटर, और लाइनिन वाले फैब्रिक को भी मैंने 90 सेंटीमीटर ही लिया है, 90 सेंटीमीटर। अस्तर वाले कपड़े को अच्छी तरह डबल फोल्ड करते हुए रख लेना है इस तरह से। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 13.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेना है 14.5 इंच। शोल्डर्स लेना है 6.5 इंच। मैं यहाँ पर 7 इंच शोल्डर्स ले रही हूँ क्योंकि मैं जिनका ये ब्लाउज़ बना रही हूँ उनके शोल्डर के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। आप 6.5 इंच रखिएगा। आर्म होल लेना है 6.5 इंच। और अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, और 2 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच हम आर्म होल के तरफ प्रिंसेस कट पे एक्स्ट्रा लेते हैं। वेस्ट है 30 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच हम प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच का गहराई देना होता है इस तरह से। और अब शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच का। इस तरह से हमें बोट नेक पर शोल्डर 1/2 इंच का डाउन करना होता है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर जैसे कि हमने 7 इंच लिया, 7 इंच ले लेंगे। आप 6.5 इंच ले रहे हैं तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। और आर्म होल भी हमें 6.5 इंच लेना है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच। 1.5 से 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेना है। और अब लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ लेना है 13.5 इंच, 1 इंच प्लस करते हुए 14.5 इंच। और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7.5 इंच। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। आर्म होल की तरफ हमें 1 इंच का गहराई देना है। और शोल्डर की तरफ हमें 1/2 इंच पे डाउन करना है इस तरह से। और अब इस पर एज इट इज कटिंग करेंगे। तो शोल्डर आप स्टिचिंग करते वक्त भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। बैक पार्ट को आपको सामने की तरफ 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए कट करना है क्योंकि हम बैक पार्ट में हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। अब प्रिंसेस कट का शेप देंगे। नीचे से हमें देखिए 3.5 इंच पे निशान लगाया और ऊपर से 10 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे। नीचे से निशान को सीधा कर देंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। और इस तरफ से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इसके दूसरे तरफ से हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और लेंथ हम 2 इंच रखेंगे और इधर से हम जॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। इस तरफ भी हमें इस तरह से मिला देना है, प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब हम इस पर एज इट इज़ कटिंग करेंगे। नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेना है 4 इंच। नेक लेंथ लेना है 3.5 इंच। और यहाँ से हम नेक का शेप दे देंगे, इस तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। नेक के कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ से शोल्डर डाउन कर लेना है 1/2 इंच पे। स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट का आर्म होल के मेजर करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और साइड से हमने 3 इंच मार्जिन के लिए लिया था, इसको भी छोड़ देना है। और ऊपर से हमें देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए फिटिंग के निशान तक हमें मेज़र करना है। 7 इंच आया है, 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। जितना भी है उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। और अब स्लीव्स लेंथ है 10.5 इंच, 1 इंच प्लस करते हुए लेना है 11.5 इंच। आर्म होल को हमने मेजर किया तो आया था 7.5 इंच। उस तरफ से कपड़ा छोटा है तो मैं बाद में उसमें जॉइंट लगा लूँगी। और आर्म होल को डाउन करना है 3.5 इंच पे। निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। स्लिप्स राउंड है 11 इंच, उसका 1/2 लेना है 5.5 इंच। और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। और आर्म होल की तरफ भी हमें 2 इंच का जॉइंट लगाना है। सिलाई करते वक्त हम वहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। आर्म होल का शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर लिया, साइड से देखिए जॉइंट है तो इसको भी कट कर लेना है इस तरह से। स्लिप्स के फ्रंट पार्ट पर हमें गहराई दे देना है आर्म होल की तरफ इस तरह से।
और अब स्लीव्स के फ्रंट पार्ट पे हमें निशान लगा देना है ताकि ब्लाउज सिलते वक्त हमें याद रहे कि इस पार्ट को ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में ज्वाइंट करना है। ऊपर से कट लगा लेना है सेंटर पे और नीचे से भी हमें इसका कटिंग कर लेना है जो साइड का कटिंग था, और साइड में हम जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है और अब हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। और प्रिंसेस कट का जो सेंटर वाला पार्ट था इसे हमें जॉइंट में कट करना है। सेंटर पे देखिए कट नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें कट करना है। और यहाँ पर सारे पार्ट कटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें जॉइंट करना है, तो मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और चारों तरफ हमें स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट का सेंटर वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर वाले पार्ट को स्टिचिंग करके रेडी कर लिया है। अब नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, नेक विड्थ 4 इंच, नेक लेंथ लेना है 3.5 इंच, नेक का शेप दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। और ऊपर से देखिए हमें स्टिच करके इसको पैक कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टिच कर लिया है और अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए। इस तरह से हमें फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग को रखना है और पिनअप कर लेना है और निशान लगाएंगे 2.2 इंच पे, 2.25 पे निशान लगाएंगे। और फिर इस तरह से हमें लीफ का शेप दे देना है और विड्थ आप 1/2 इंच तक रख सकते हैं ताकि शेप अच्छा से हो। और इस पर हम एज इट इज़ कटिंग करेंगे और बाहर से देखिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। पहले हम सेंटर पे कट करेंगे और फिर दूसरे तरफ से 1/2 इंच लेते हुए कट करना है। और इस पर फिर हम एक नंबर लिख लेंगे, 1 नंबर इस तरह से लिख लेंगे। और एक क्विक पेपर पेस्टिंग लेना है डबल फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करते हुए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है और इसका लेंथ हमें 2 इंच रखना है और 1/2 इंच इसका विड्थ रखना है। और यहाँ से भी हम लीफ का शेप दे देंगे और एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले पार्ट को कटिंग किया है। और इस पर हमें नंबर दोनों पे लिखना है 2, इस तरह से 2 नंबर लिख लेंगे दोनों पे। और एक पेपर पेस्टिंग यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए लेना है और यहाँ पर 1.75 पे निशान लगाएंगे और लीफ का शेप देते हुए हमें कटिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले कटिंग किया। और इस पर हमें नंबर लिखना है 3, दोनों पार्ट में हमें 3 नंबर लिख लेना है इस तरह से। और सारे पार्ट को हमें एक अस्तर वाले कपड़े पर रखकर हमें प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेस करके मैंने चिपका लिया है। अब साइड से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और चारों तरफ से हम कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सारे पार्ट को स्टिच कर लिया है मैंने और अब प्रिंसेस कट के सेंटर वाले पार्ट को लेंगे और सेंटर से फोल्ड करते हुए मार्क कर लेंगे। और 1 नंबर वाले पार्ट को हमने लेना है इस तरह से, जो हमने 1 नंबर लिखा था उस पार्ट को लेना है, सेंटर से मिलाते हुए हमें रखना है इस तरह से। और सेंटर से पहले हमें रफ़ स्टिच करनी है, अच्छे से मिलाते हुए रखना है। सेंटर से रफ़ स्टिच करेंगे और चारों तरफ हमें मेन सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए सिलाई करनी है चारों तरफ। और अब सारे पार्ट को हम इसी तरह स्टिच करेंगे, तो 2 नंबर वाले पार्ट को दोनों तरफ रखना है इस तरह से और जो हमारा 3 नंबर वाला पार्ट था इस तरह से कॉर्नर पे रखना है दोनों तरफ, अच्छे से मिलाते हुए रखना है और पिनअप कर ले। और फिर चारों जैसे हमने सेंटर पे सिलाई किया है सेंटर वाले पार्ट का, उसी तरह हम इसी सारे पार्ट को भी सिलाई करके ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कर लिया है मैंने। अब सेंटर से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है चारों तरफ से। इसी तरह सारे पार्ट में भी हमें कट कर लेना है। और अब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे चारों तरफ
इस तरह से, ताकि ये अच्छे दूसरी तरफ अच्छे से पलट जाए। और अब धीरे धीरे करते हुए हमें पलट लेना है, सारे पार्ट को इसी तरह रेडी करना है। और चाहे तो इस पर प्रेस कर ले आप, तो यहाँ पर देखिए सारे पार्ट रेडी है और मैंने प्रेस भी कर लिया है। और इस पर चारों तरफ आप सिलाई भी कर सकते हैं टॉप स्टिच, तो यहाँ पर मैं सिलाई नहीं करूँगी। और अब नेक पर मैं फिनिशिंग के लिए यहाँ पर क्रॉस पट्टी लगा रही हूँ, उड़े पे पट्टी। तो इस तरह से हमें देखिए उड़े पट्टी को लगा लेनी है सीधी तरफ करते हुए, और पूरे पार्ट में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और एक सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर करना है इस तरह से। और अब दूसरे तरफ डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए नेक की फिनिशिंग हो चुकी है, तो ये नेक हमारा रेडी है बनके। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो दोनों तरफ अच्छे से मिलाते हुए पहले चेक कर लेना है। और नीचे से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें जॉइंट करना है इस तरह से, किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, धीरे धीरे करते हुए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमें जॉइंट कर लेना है। इसी तरह दूसरे तरफ भी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे और इस पर डबल स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर दूसरे तरफ भी मैंने जॉइंट लगा ली है और उसका पफ देखिए काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और आर्म होल की तरफ हमें हाफ इंच पे गहराई दे देना है इस तरह से, दूसरे तरफ भी गहराई दे देंगे। तो यहाँ से आप देखिए हमें स्टिच कर लेना है इस तरह से, पैक कर लेना है स्टिच करके। और अब हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर कमर पट्टी ली है, डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर कमर पट्टी को लगाएंगे। एक स्टिच हमें अस्तर वाले कपड़े पर करना है कमर पट्टी के ऊपर, और दूसरे तरफ पलटते हुए हमें टॉप स्टिच लगा देनी है कमर पट्टी पे। तो यहाँ पर देखिए कमर पट्टी मैंने लगा ली है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, तो नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेना है 4 इंच, नेक लेंथ लेना है 2.5 इंच। नेक का शेप दे देंगे और नेक की तरफ से हमें 2 पॉइंट करीब पे निशान लगाना है। और टोटल नेक का लेंथ 12 इंच लेना है और विड्थ 2 इंच रखना है। आप चाहे तो 1.5 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमें नेक का शेप दे देना है। इस पर अभी हमें कटिंग नहीं करनी है, मेन पार्ट पे रखते हुए हमें दोनों पार्ट को अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और स्टिच भी कर लिया है। और अब हम सेंटर से फोल्ड करते हुए पिनअप कर लेंगे। और नेक पर पहले हमें कटिंग करना है ऊपर के तरफ, सेंटर से भी कट कर लेंगे और नेक वाले डिज़ाइन को भी कट कर लेंगे। और अब देखिए दोनों पार्ट को अलग कर लेना है और इस पर हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर का मैं कपड़ा लूँगी, गोल्डन कलर का, और नीचे की तरफ सीधी तरफ नीचे की तरफ करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग के जैसे मैं यहाँ पर इस कपड़े को यूज़ करूँगी, आप चाहे तो डोरी वाली पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरफ देखिए मैं लूप लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिलाई करके डोरी बना ली है। और इस तरह से अंदर के साइड हमें डोरी को रख लेना है और ऊपर से स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और पूरे पार्ट में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं।
पहले छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ करते हुए पलट लेना है। और साइड से देखिए आप इस तरह से 1 से 1.5 इंच करीब मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ दें। दूसरी तरफ जब हम पलटेंगे तब इस पर हम बाद में तुरपाई कर लेंगे फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पलट लिया है और अब ऊपर से देखिए पाइपिंग के जैसे हमें थोड़ा सा कपड़ा निकालते हुए बाहर की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और इसी तरह मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। और ऊपर की तरफ आप लूप की जगह डोरी भी लगा सकते हैं। और अब देखिए सेंटर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और टक्स का सिलाई करेंगे। टक्स का लेंथ मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो 4 इंच भी रख सकते हैं। और अब हम हाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सीधी तरफ करते हुए आई की पट्टी लेना है। 2.5 इंच चौड़ी मैंने आई की पट्टी ली है और इस तरह से दूसरे तरफ देखिए फोल्ड करेंगे और उस पर स्टिच कर लेना है। सामने की तरफ भी हमें फोल्ड करना है इस तरह से 1/2 इंच करीब और इस पर स्टिच कर लेंगे। और उल्टी तरफ करते हुए हमें इस तरह से पलटना है और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। एक सिलाई देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। और अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 इंच लेना है इसका विड्थ और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर लेना है और इस पर स्टिच कर लेंगे। एक स्टिच अस्तर वाले पार्ट पे करना है इस तरह से और दूसरी तरफ पलटते हुए हमें और एक स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बैक पार्ट को रेडी मैंने कर लिया है। अब नीचे की तरफ भी कमर पट्टी लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ कमर पट्टी मैंने लगा ली है और अब स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स के दोनों तरफ मैंने जॉइंट लगा ली है और इन दोनों पार्ट को भी हमें सिलाई कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर स्टिच कर लिया है और कट कर लिया है। अब सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें सेंटर पर निशान लगाना है इस तरह से। और अब डिज़ाइन के लिए हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से हमें फोर फोल्ड करके रखना है और यहाँ से देखिए निशान लगाना है 3.5 इंच पे और सेंटर में विड्थ का निशान लगाएंगे 1 इंच पे। और इस तरह से हमें लीफ का शेप दे देना है। जैसे हमने नेक के डिज़ाइन को रेडी किया है उसी तरह हमें इस पार्ट को भी रेडी करना है। सेंटर पर एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें नंबर दे देना है 1 इंच का, इस तरह से नंबर दे देंगे। और इसी तरह डबल फोल्ड करते हुए पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे और निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हमें लीफ का शेप दे देंगे इस तरह से। सेंटर पे कट कर लेना है और साइड से 1/2 इंच लेते हुए कट करेंगे और इस पर नंबर दे देना है 2 नंबर दे देंगे। और इस पर भी देखिए जैसे हमने पहले कपड़े पर प्रेस करके चारों तरफ स्टिच किया है उसी तरह यहाँ पर भी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रेडी कर ली है और सेंटर से फोल्ड करते हुए सेंटर पर निशान लगाएंगे। और स्लिप्स के ऊपर देखिए हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और पिनअप कर लेना है। और जैसे हमने नेक पर रेडी किया उसी तरह हमें इस पर सेंटर से रफ स्टिच करेंगे और चारों तरफ हमें टॉप स्टिच लगानी है। और इसी तरह हम नीचे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। और फिर देखिए सेंटर पे हमें कट लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे पूरे पार्ट पे। और धीरे धीरे करते हुए पलट लेना है दूसरी तरफ और इस पर प्रेस कर लेंगे। और अब स्लिप्स का फ्रिल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है और सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पर हम स्टिच कर लेंगे। तो अब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे। तो कॉर्नर से देखिए 2.5 इंच पे हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है और फिर यहाँ से हमें फ्रिल इस तरह से डालना है।
तो इस तरह से देखिए हमें फ्रिल को डाल लेना है यहाँ पर, और टोटल फ्रिल का लेंथ जो होगा हमारा जो स्लीप्स का राउंड है उतना ही लेना है। अब जैसे कि हमारा जो स्लीप्स का राउंड है वो है 11 इंच, तो हमें 11 इंच लेना है फ्रिल, और दोनों तरफ से दो दो इंच का मार्जिन के लिए लेना है, तो यानी 4 इंच हमें एक्स्ट्रा प्लस करते हुए लेना है। और अब देखिए कॉर्नर से हमें 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देना है, और इस कॉर्नर से भी 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। और अब हम फ्रिल लगाएंगे, तो कॉर्नर से 2 इंच छोड़ते हुए हम फ्रिल को लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें फ्रिल को यहाँ पर जॉइंट कर लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, और एक सिलाई देखिए हम फ्रिल को दूसरी तरफ करेंगे और ऊपर से एक स्टिच करेंगे। नीचे से मार्जिन को आप स्लीप्स की तरफ करें और ऊपर से स्टिच कर लें, और एक सिलाई कॉर्नर से हमें और एक लगाना है इस तरह से, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पर देखिए स्लीप्स बन के हमारा रेडी है, और इसी तरह हम दूसरे स्लीप्स को भी रेडी कर लेंगे। तो अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो दोनों शोल्डर्स को हमें अच्छे तरह से मिलाते हुए रखना है और शोल्डर्स को अटैच कर लेना है, डबल स्टिच कर लेनी है शोल्डर्स पे। और अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से मिलाते हुए। और देखिए आर्म होल की तरफ जो हमने गहराई दिया है, याद रहे ये हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ स्लीव ब्लाउज का फ्रंट पार्ट की तरफ होना चाहिए। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्लीप्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्लीप्स को मैंने सिलाई कर लिया है, और देखिए दोनों पार्ट को आप सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए हमें रखना है और पिन अप कर लेना है सेंटर पे। और कॉर्नर से अगर कपड़ा छोटा बड़ा हो तो आपको एक्स्ट्रा छोड़ दे, और फिर सेंटर से अच्छे से मिलाते हुए हमें साइड से इस तरह से सीधी तरफ करते हुए सिलाई करनी है। साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे एक्स्ट्रा हम कपड़े को छोड़ देना है, स्टिच करने के बाद उसे हम कट कर लेंगे। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेंगे, और अब इस पार्ट को देखिए दूसरी तरफ पलट लेना है। उल्टा करते हुए हमें कॉर्नर से और एक स्टिच करनी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। इसी तरह हमें दूसरे तरफ भी सिलाई करनी है। और अब इस पर हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे, तो सेंटर से देखिए हमें पहले सेंटर पे निशान लगाएंगे, सेंटर का इस तरह से। और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 8.5 इंच, और जैसे कि हमारा स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 5.5 इंच। और यहाँ से निशान को हमें सीधा कर देना है और फिटिंग का सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज बनके अब रेडी है, और ये नेक की फिनिशिंग देखिए काफ़ी अच्छी से आई है, उसका पफ भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।